इसे जम्मू से माँ प्रेम मनीषा ने पूछा है। कृपया प्रेम और विश्वास में संबंध और अंतर बताने की अनुकंपा करें। पहले आओ जानते हैं प्रेम क्या है। प्रेम एक हार्दिक संबंध है, अनाहत चक्र से इसका नाता है। हृदय क्योंकि चेतना के सात तल हैं, पहला तल शरीर है, दूसरा इंद्रियां हैं, तीसरा प्राण है, चौथा हृदय है, पांचवा मन है जैसा मैंने पहले बताया, छठा अस्मिता है, सातवां आत्मा है। तो ये जो चौथा चक्र है हमारा अनाहत चक्र, ये हमारे चौथे तल की चेतना हृदय को कंट्रोल करता है, सब कॉन्शस को कंट्रोल करता है। तो प्रेम का नाता हृदय से है, या कह सकते हैं अवचेतन से। इसलिए प्रेम बड़ा गहरा है। देखते हो कोई प्रेम में पड़ता है और माता पिता कभी कभी राजी नहीं होते, संबंधी राजी नहीं होते, कितना समझाने की कोशिश करते हैं, दोस्त भी कहते हैं तुमने देखा क्या उसमें, लेकिन अब वो सब कॉन्शस में बात चली गई। तुमको भी कभी कभी लगता है कि बड़े खुश थे, मिजाज थे, खुश मिजाज थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ये कहाँ से चक्कर में पड़ गए, छोड़ो इन सब को, लेकिन तुम छोड़ नहीं पाते हो क्योंकि तुम मन के तल से समझाने की कोशिश कर रहे हो और बात तो सब कॉन्शस में चली गई है। तो सब कुछ समझते हुए भी ना समझ हो जाते हो, इसलिए लोग कहते हैं कि ही हैज़ फॉलन इन लव, अर्थात कि तुम पांचवें तल पर विशुद्ध चक्र के तल पर जीते हो, तुम फॉल करके सब कॉन्शस की गहरी घाटी में तुम चले गए हो, तुम्हारा वश नहीं है। एक दिन क्या मिले मन उड़ा ले गए, मुफ्त में उम्र भर की जलन दे गए, बात हमसे न कोई दोबारा करे, मन दोबारा त्योहारा पुकारा करे, चांद सा हुस्न है तो गगन में बसे, फूल सा रंग है तो चमन में हंसे, चैन चोरी न कोई हमारा करे, मन दोबारा त्योहारा पुकारा करे, कहाँ की आफत आ गई। लेकिन अब आफत बड़ी गहरी है, सब कॉन्शस में चली गई है, कोरोना से ज़्यादा गहरी आफत है वो। तो इसलिए तुम चाहते भी हो कि थोड़ा वो प्रेम के झंझट से दूर हो जाए, तो होना बड़ा मुश्किल है। तो पहली बात है कि हृदय से उसका नाता है, हार्दिक संबंध है। दूसरा क्या है, इसमें राग होता है, इसमें आकर्षण होता है, इसमें खिंचाव होता है। जिसे तुम्हारा प्रेम होता है उसके तुम खींचे चले जाते हो, हमारी तुम्हारी क्या औकात है। भगवान राम जब जनकपुर फुलवारी में गए और वहाँ सीता आई थी मंदिर दर्शन करने के लिए, तो देख करके वे भी लक्ष्मण से अपने भाई से कह रहे कि मेरा सहज बैरागी मन खींचा चला जा रहा है, लक्ष्मण मैं क्या करूं। देख रहे हो भगवान राम, भगवान विष्णु के अवतार, जब वो खींचे चले जा रहे हैं उनका आकर्षण हो रहा है। तो प्रेम ऐसा चुंबक है कि वो खींच लेता है, तो एक आकर्षण का भाव है, खिंचाव है। जो तीसरी बात है प्रेम में, जिससे प्रेम होता है उसे सानिध्य की इच्छा होती है, मन करता उसके साथ रहे, हमारा प्यारा हमारे साथ रहे, तो सानिध्य की इच्छा होती है। जो चौथी बात होती है कि प्रेम में देने का भाव होता है, अपने प्यारे को क्या नहीं दे दें हम, लगता है सब कुछ दे दें अपने प्यारे को। और पांचवा, जिससे तुम प्रेम करते हो उस पर पूरा भरोसा होता है, मुझे धोखा नहीं देगा, पूरा भरोसा होता है। ये पाँच चीज़ें प्रेम में होती हैं। अब आओ विश्वास जानते कि विश्वास क्या है। तो विश्वास जो है इसका भी पांच पहचान कह सकते हो। पहली बात है कि जिस पर विश्वास होते कॉमन उद्देश्य होता है, एक कॉमन मिशन होता है, जिसके चलते लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। और तो और आतंकी एक दूसरे पर विश्वास करते हैं क्योंकि उनका एक कॉमन मिशन है कि हमको धर्म के नाम पर मरना है, कि हमको मार्क्सिज्म के नाम पर, नक्सलिज्म के नाम पर मरना है। तो एक कॉमन उद्देश्य होता है, जो एक दूसरे जब ट्रस्ट करते हो किसी का, तो उसका भी एक कॉमन गोल है, एक कॉमन उद्देश्य है। तो वो जो उसके कारण जो है कि भाई इसका भी वही उद्देश्य है जो मेरा है, तो निश्चित उस पर तुम भरोसा, उस पर विश्वास होता है। तो कॉमन उद्देश्य। दूसरा क्या है कि आपस में वैचारिक सहमति होती है। प्रेमचंद कहते हैं विचारों का मिलना ही मैत्री का मूल मंत्र है। तो दोनों के विचार मिलते जुलते हैं, जैसे परिवार में पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास कर रहे हैं, प्रेम भी करते हैं चलो मान लिया, लेकिन विश्वास करते हैं। क्यों विश्वास करते हैं? दोनों का कॉमन उद्देश्य है। क्या कॉमन उद्देश्य है? परिवार का, बच्चों का लालन पालन। तो ये एक कॉमन उद्देश्य होता है, तो वो एक दूसरे पर विश्वास करते हैं।
तो ये बौद्धिक सहमति बहुत जरूरी है, वैचारिक सहमति बहुत जरूरी है, तो कॉमन उद्देश्य बहुत जरूरी है। जो दूसरा हमने कहा बौद्धिक सहमति, विचार मिलते हैं तो विश्वास हो जाता है कि हमारा और इसका मत एक है, हमारा इसका विचार एक है। जो तीसरा है कि सम्मान, जिस पर विश्वास करते हो उसका सम्मान करते हो, ये स्वाभाविक है, सम्मान होता है विश्वास में। चौथा है एक मैत्री भाव होता है, मैत्री भाव होता है, जिस पर विश्वास करते हो उसको शेयरिंग करते हो, अपनी गुप्त बातें भी बता देते हो। क्यों? क्योंकि तुमको एक जो मैत्री उससे डेवलप होनी शुरू हो जाती है। मैंने कहा ना, प्रेमचंद कहते हैं कि विचारों का मिलना ही मैत्री का मूल मंत्र है, तो उसमें एक मैत्री भाव होता है जिसको कॉमरेडशिप भी कहते हैं। कॉम्युनिस्ट एक दूसरे को कॉमरेड कहते हैं, कॉमरेड कहते हैं, क्योंकि एक उनके भीतर जो है एक मैत्री भाव होता है। और फिर पांचवा, इसमें भी भरोसा होता है, एक ट्रस्ट होता है। तो ये पांच चीज़ें विश्वास में भी होती है। तुम पूछते हो कि दोनों में संबंध क्या है, एक चीज़ कॉमन है दोनों में, वो है भरोसा, ट्रस्ट। एक भरोसा होता है कि ये व्यक्ति विश्वसनीय है, ये हमें धोखा नहीं देगा, ये कह सकते हो कि ये संबंध है दोनों में। और दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर है पहला कि प्रेम का संबंध हृदय से है और विश्वास का संबंध मन से है। दूसरा अंतर क्या है कि प्रेम में राग होता है, आकर्षण होता है, खिंचाव होता है, और विश्वास में क्या होता है? सम्मान होता है। और फिर तीसरा अंतर क्या है? प्रेम में देने का भाव होता है, जबकि विश्वास में क्या होता है? लेना देना करीब करीब बराबर है, लेना देना, जबकि प्रेम में देना ज़्यादा है, लेना बहुत कम है, लेकिन विश्वास में लेना देना करीब करीब बराबर है, क्योंकि एक तरह का संबंध है। और जो चौथी जो अंतिम बात है, अंतिम जो चौथा अंतर है, वो है कि प्रेम में सानिध्य का भाव होता है, सानिध्य की इच्छा जगती है, जबकि विश्वास में साथ साथ काम करने की इच्छा होती है। दोनों में अंतर समझना, सानिध्य मात्र जिसे प्रेम करते हो, बस साथ बैठा रहे, बस साथ रहे बस, लेकिन जो विश्वास है उसमें साथ साथ तुमको कुछ कर्म करने का भाव रहता है। सानिध्य की इच्छा केवल नहीं, बल्कि तुमको लगता है कि साथ मिल करके हम कुछ कर्म करते, तो ये अंतर है। तो ये प्रेम है और विश्वास है, दोनों में क्या अंतर है ये हमने बताया, और दोनों में क्या संबंध है ये भी हमने बताया। नॉलेज।